अब ये तो वही लोग जाने कि उन्होंने मुझे क्यों रोका है काव्य पाठ करने से, किस बात का डर है, कौन से सच का डर है, या मेरी किस कविता से डर है कि कल उन्होंने मुझे काव्य पाठ करने से रोका। लेकिन मुझे बहुत दुख है, बहुत निराश है, निराश हुई हूँ मैं इस बात को लेकर के, और ये निराशा के साथ ही मैं वापस जा रही हूँ कि मैं कल यहाँ काव्य पाठ करने आई। मुझे बहुत मन से इन लोगों ने आमंत्रण दिया और मंच पर चढ़ने से पहले रोक दिया गया, और प्रशासन ने ये बताया हमें कि उनके ऊपर प्रेशर है, उन्हें बिहार सरकार का आदेश है कि अनामिका अंबर को काव्य पाठ ना करने दिया जाए। तो किस बात का डर है ये वही जाने। कल मैं पटना आ गई थी और कल सुबह पटना लैंड किया है और अब आज वापस जा रही हूँ। मुझे पटना में ही रोक दिया गया, और कवियों को जब कवि सोनपुर पहुँचे तो हरिहर क्षेत्र में सोनपुर मेला के बड़े कार्यक्रम में जब कवि पहुँचे तो उनको कहा गया कि अनामिका अंबर मंच पे नहीं आएंगी, उनको मंच पे नहीं चढ़ने दिया जाएगा, उन्हें काव्य पाठ नहीं करने दिया जाएगा। तो हमारे कवियों ने ये निर्णय लिया कि कवि भी काव्य पाठ नहीं करेंगे। एक कवि का यदि अपमान होता है तो सभी कवियों ने बहिष्कार किया और इस बात का निर्णय लिया कि वो भी काव्य पाठ नहीं करेंगे। तो मुझे बहुत का यदि अपमान होता है तो सभी कवियों ने बहिष्कार किया और इस बात का निर्णय लिया कि वो भी काव्य पाठ नहीं करेंगे। तो मुझे बहुत बहुत निराशा हुई है, बहुत दुख हुआ है कि क्यों सरकार को ये निर्णय लेना पड़ा, यहाँ क्यों मुझे मंच पर जाने से रोका गया, मेरी कौन सी बात से उन्हें क्या डर लगने वाला था, मेरी कौन सी कविता उन पर कौन सा प्रभाव डालने वाली थी कि उन्होंने मुझे मंच पर, या मैंने ऐसा क्या ऐसा पढ़ा है कि जिसके कारण उनको ये डर था कि मैं कुछ ना कह दूँ। तो मुझे मंच पर कल कवि सम्मेलन में काव्य पाठ करने से रोका गया, मंच पर जाने से रोका गया। बहुत बहुत दुख है।